आज अहमदाबाद में फिलहाल जो न्यूज़ गुजरात को लेकर आए हैं उसको लेकर अहमदाबाद में शॉक वेव्स आए हैं, खास तौर पर इस इलाके में जो घाटलोडिया इलाका है। ये घाटलोडिया इलाका गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक पार्ट है, जिसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अमित शाह है। अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ के लोगों से कि आज का जो डेवलपमेंट है, आज जो राजकीय एक डेवलपमेंट हुआ है गुजरात में, जिसमें विजय रूपाणी जो हैं, जो सीएम थे, उन्होंने आज रेजिग्नेशन दे दिया है और उनकी जो 5 साल की सरकार थी वो 5 साल की सरकार का आज अंत आ चुका है। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। दो युवा मेरे सामने दिखे खड़े हैं। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? जी मयूर। मयूर क्या करते हैं आप? जी मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, तो मयूर क्या लगता है आपको, ये जो आज का फिलहाल एक डेवलपमेंट हुआ है कि विजय रूपाणी ने रेजिग्नेशन दे दिया, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? जी जैसे हमने देखा, हाँ बोलिए, जैसे हमने देखा है कि कोविड सेकेंड वेव में जो दिक्कतें हुई लोगों को, ग्राउंड लेवल पे जो दिक्कतें हुई लोगों को, बेड नहीं मिले, वैक्सीन नहीं मिली, और अभी थोड़ा जो विपक्षी पार्टी भी मजबूत होती दिख रही है, जैसे आम आदमी पार्टी अभी घर घर जाके प्रचार प्रसार कर रही है, तो बीजेपी को अपकमिंग 2020 का चुनाव के लिए और आना वाला थर्ड वेव दोनों के लिए अभी कोई नया चेहरा अभी से लाए तो मतलब अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो पाए पार्टी का, और इसलिए लगता है कि रूपाणी साहब ने राजीनामा दे के कहीं नए सीएम लाने की सोच रखी है। नए सीएम की बात की है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सेकंड वेव में शायद कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर थी वो कुछ काम ठीक से नहीं कर पाई, क्योंकि आप मेडिकल के क्षेत्र से कनेक्टेड है, आपने कहा आप डॉक्टर है, होम्योपैथी है, लेकिन फिर भी आप कोविड के पेशेंट्स को देखते हैं, ठीक है, मतलब आप पैरामेडिकल, यस पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर आप उनको देखते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है जिस तरह से रूपाणी सरकार ने ये पूरी सेकेंड वेव के समय जिस तरह से पूरी जो इमरजेंसी को हैंडल किया था उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इस इमरजेंसी को हम पार्शियली ऐसे बोल सकते हैं कि अच्छी तरह से मैनेज किया, और पार्शियली ऐसा भी बोल सकते हैं कि अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया। जैसे इमरजेंसी होती कि उसके पास हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हमारा पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से हमारी गवर्नमेंट का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर GDP का जो खर्चा करती है वो भी जो डेवलप कंट्री की जगह वो कम ही करती है। इसकी वजह से पहले से हमारा थोड़ा डेवलपमेंट हेल्थ के सेक्टर में कम था, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसकी वजह से बेड जो कम पड़े, और अचानक जो रेमडेसिविर वगैरह इमरजेंसी मेडिसिन का भी जो कुछ इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो फॉरेन से मंगवाने पड़ते, तो उसमें भी फॉरेन कंट्रीज ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाए थे उसकी वजह उसके बगैर शायद ये थोड़ी दिक्कत हुई थी। और फाइनली अब आज केंद्र सरकार, मतलब गुजरात से विजय रूपाणी साहब ने रेजिग्नेशन दे के देखते, तो आपको क्या लगता है रूपाणी सरकार निर्णय ठीक से ले पा रही थी उस समय? निर्णय जो रूपाणी सरकार का एक स्लोगन भी है कि निर्णायक सरकार, तो क्या आपको क्या लगता है वो डिसीजंस बहुत फास्ट ले सकती थी? ऐसा तो फास्ट ले सकती थी ऐसा भी नहीं बोल सकते, और स्लोली ले सकते ऐसा भी नहीं बोल सकते। वो मतलब साहब ने अपने हिसाब से काम किया, लेकिन जनता को और अभी जरूरत के हिसाब से शायद काम नहीं ले पाए होंगे, तो अभी जनता की शायद एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा रही होगी। आपका क्या नाम है? मेरा डॉक्टर शार्दुल। तो आपको क्या लगता है आज की जो ये राजकीय एक तरह से सीएम रूपाणी ने जो रेजिग्नेशन दिया उसको, उस घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए पहले तो जो कोई भी ये घटना है तो इसके पीछे कोई भी कई सारे मल्टीपल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसमें से पहला फैक्टर तो है, अभी तो जैसे कि सब सिटीजन का मानना तो यही है कि जो कोरोना की सेकेंड वेव आई थी तो उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इतना कुछ कैपेबल नहीं थी कि हमारी की जितनी पॉपुलेशन है टोटल कि उतनों को हैंडल कर सके। जैसे कि आप देख सकते हो ऑक्सीजन की कमी थी, हॉस्पिटल में बेड भी अवेलेबल नहीं थे, तो इस तरह से वो भी एक फैक्टर दिखा जा रहा है। और दूसरा एक है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में होता है तो फिर खुद के ही पार्टी में किसी ना किसी का तो अपने तरफ से भी रुझाव अच्छा नहीं होता, तो फिर कोई बात ये भी हो सकती है कि पार्टी के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के वजह से भी ये हो सकता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी हो सकता है। क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं कि मिसहैंडलिंग ऑफ कोविड सेकेंड वेव, तो वो तो दूसरे काफ़ी राज्यों में भी थी जो बीजेपी, जहाँ पर बीजेपी के सीएम थे वहाँ पर नहीं बदले, यहाँ पर बदले, तो उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप?
हाँ सर, ये बात भी ठीक है, लेकिन तुम कोई एक न्यूमेरिकल कंडीशन से देखने जाओ तो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू केस तो हमारे वहाँ थे, लेकिन मोर्टेलिटी रेट गुजरात में ज़्यादा थे शायद, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आज विजय रूपाणी ने अपने रेजिग्नेशन में जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी उनको आभार व्यक्त किया है, अमित शाह को आभार व्यक्त किया है, ये कहने के लिए कि ये कहते हुए कि आ जाइए यहाँ पर आ जाइए, ये कहते हुए कि ये जो उनको चांस दिया गया गुजरात की जनता को सर्व करने का, उसका उन्होंने आभार व्यक्त किया है नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, और कहा है कि बीजेपी जो पार्टी है उसमें नए लोगों को अक्सर चांस दिया जाता है। उन्होंने खुद ने एक कार्यकर्ता के तौर पे शुरू किया था और वो सीएम बने, अब वो दूसरे जो नए कार्यकर्ता है उनके लिए जगह बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये रिजाइन कर रहे हैं, वो ऐसा उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में कहा है। आप लोग कहाँ से हैं? हम अहमदाबाद से। अहमदाबाद में कहाँ पर रहते हो आप? मणिनगर। अच्छा, आप मणिनगर में रहते हो, जहाँ पर जहाँ से एक समय नरेंद्र मोदी यहाँ पर गुजरात के MLA रहे थे। तो ये आज की घटना को किस तरह से देख रहे हैं आप? आज की घटना से अब बीजेपी के जो मुख्य सूत्रधार ऊपर से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से कुछ बदलाव चाहते हैं, नया बदलाव चाहते हैं, और पार्टी को जो अच्छा लगता है वो करते हैं। अभी कुछ बदलाव के लिए नई योजनाएं बनाई होगी, सीएम पाटिल साहब ने बनाए होंगे, क्योंकि अभी 6 महीने में बहुत सारी सीटें बदल रही है। सीआर पाटिल। हाँ, सीआर पाटिल जी, और सीआर पाटिल जी अच्छा कर रहे हैं कि अब नए युवाओं को, नए पब्लिक से सीएम को अभी ये कार्यकाल दरमियान ये काम किया, अच्छा किया है रूपाणी साहब ने, पर थोड़ा बेरोजगारी और सब समस्या है उनको हल करने के लिए शायद परिस्थिति बहुत विकट हो रही है। बराबर के आगे 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 की परिस्थिति नई समझूति से अच्छी तरीके से हो पाए, इसलिए कोई पार्टी का नया आदमी मनसुख मांडविया जी है, नितिन भी पटेल जी है, वो अच्छे कार्यकाल से जो अनुभवी है। अभी हम युवा धन ऐसा सोचते हैं कि कोई नया CM आए या नई अच्छी कामगिरी हो जाए, गुजरात की परिस्थिति थोड़ी डामाडोर है, और आगे आगे कोरोना की वजह से शिक्षण और सब बहुत बड़ी समस्या आगे आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के अंदर जो ग्रुपिज्म की बात जितने काफ़ी दिनों से बाहर आ रही थी, काफ़ी दिनों से ऐसा चल रहा था कि शायद मुख्यमंत्री को बदलेंगे, जैसा पाटीदारों की एक डिमांड थी, OBC की डिमांड थी, अलग अलग समुदाय की एक डिमांड थी, और आने वाले वर्षों में जब चुनाव आ रहा है विधानसभा का, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ये अपना कास्टिज्म का कार्ड खेलेंगे शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में यशमैनशिप जो चल रही थी कि विजय रूपाणी साहब जो है खुद कुछ कर ही नहीं पाते थे, एक रिमोट कंट्रोल CM की तरह काम कर रहे थे, इसीलिए शायद जो बीजेपी के अंदर दो ग्रुपिज्म है कि अमित भाई वर्सेस आनंदी बहन, अमित भाई वर्सेस अभी जिस तरह से सुनने में आता है मीडिया दूसरे लोगों के थ्रू कि प्रधानमंत्री से भी नहीं बन रही है, शायद इसलिए ये एक डिसीजन आया है कि रातों रात उनको बदल रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा हो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को भी बदला गया था, उसी तरह से मुख्यमंत्री को भी बदला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ दो ही लोग जो शासन चला रहे हैं वो चाहते हैं कि हमारे ही लोग अच्छी अच्छी की पोस्ट पे बैठे। ये भी तो माना जाता है कि विजय रूपाणी जो है उनकी जो प्रॉक्सिमिटी थी, उनकी जो नज़दीक था, वो अमित शाह से काफ़ी नज़दीक थे, ऐसा भी पार्टी के अंदर की बात है, पार्टी के अंदर के लोगों का ये कहना है। तो अगर वो अमित शाह से इतने नज़दीक थे तो फिर उनको क्यों बदलना? वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी ऐसा दिख रहा है कि नेशनल लेवल पे बीजेपी के अंदर भी ग्रुपिज्म खड़ा हो चुका है। अच्छा। कि पाटिल भाव है वो शायद डायरेक्ट प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है, वो खुद के हिसाब से खुद की पैनल के लोगों को लाना चाहते हैं। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि टिकटों के अंदर भी काफ़ी कुछ चेंजेस हुए, स्टैंडिंग कमेटी को लेके, अहमदाबाद के मेयर को लेके काफ़ी कुछ ऐसे झगड़े हुए जहाँ पे ग्रुपिज्म क्लियरली दिख रहा था, शायद उसी लिए ऐसा डिसीजन लिया गया रातों रात के CM को बदल के नवा CM लाएंगे, और एक ट्रम्प कार्ड खेला जाएगा आने वाले चुनाव को लेके, शायद पाटीदार समाज से लाया जाए या शायद OBC समाज से लाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बार डर है। पिछले बार सिर्फ 12 सीटों से उनकी सरकार बनी थी, अभी आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, कांग्रेस भी मैदान में है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि शायद पाटीदारों का वोट जो हमसे कहीं ना कहीं खिसक के आम आदमी पार्टी के पास जा सकता है, कांग्रेस के पास जा सकता है, शायद इसी चीजों को लेके इन लोगों ने अभी अपना खुद का CM बदला है। अभी आपका नाम क्या, आप क्या करते हैं? मेरा नाम करण सिंह तोमर है, मैं बिजनेस करता हूँ। ये तो यहाँ पर हम लोग अहमदाबाद में यहाँ के लोगों से बात कर रहे थे। विजय रूपाणी की जो सरकार है वो आज गिर चुकी है गुजरात में, और ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट में भी काफ़ी नए चेहरे आएंगे। हम लोगों ने कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी बात की, पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये कहना था कि ये मूव जो था ये वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का कोई मूव आएगा, कि इस तरह की कोई हलचल गुजरात में देखी जाएगी जिसमें बड़े बदलाव होंगे, ऐसा
पॉलिटिकल एनालिस्ट मान रहे थे, उनका ये कहना था कि इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल जो बातें हैं बीजेपी के अंदर, फिलहाल बीजेपी को कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से ज़्यादा अपने अंदर के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा खतरा है, ऐसा मेरी जो बात अभी थोड़ी देर पहले पॉलिटिकल एनालिस्ट घनश्याम शाह से हुई थी, उन्होंने भी यही बात कही थी कि इस तरह से एक बीजेपी को फिलहाल अपने अंदर का जो अंदर अंदर के जो ग्रुपिज्म है उसको किसी भी तरह से रिजॉल्व करने की ज़रूरत उन्हें काफ़ी दिख रही है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर गुजरात में इलेक्शन आने वाले हैं और फिलहाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वो दोनों बहुत एक्टिवली, आम आदमी पार्टी खास तौर पर बहुत ही एक्टिवली गुजरात में फिलहाल काम कर रही है, और कांग्रेस जो है वो भी धीरे धीरे काम करना उन्होंने भी शुरू किया है। तो अभी मुझे रॉक्सी काकडेकर छारा को यहाँ से इजाज़त दीजिए, नमस्कार।